जिंदगी में हम वही चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था, बस ये थोड़े दिन और जिकर में इतना तो जान गया। क्यों चुना प्रभास को ही? क्यों पैन इंडिया स्टार है प्रभास? कहां से की थी प्रभास ने शुरुआत? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राड स्टूडियोज में। साल 2002 में तेलुगु फिल्म ईश्वर से अपनी फिल्म करियर का शुरुआत करने वाले बाहुबली स्टार प्रभास 42 साल के हो गए। प्रभास आज अपने करियर में इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। मूलतः साउथ के टॉप स्टार्स में शुमार इस बेहतरीन अभिनेता की पहचान पैन इंडिया स्तर पर इस कदर हो चुकी है कि हर जगह इनके शानदार अभिनय का डंका बजता है। रजनीकांत, कमल हासन, महेश बाबू जैसे सुपरस्टारों के बीच प्रभास जिस तेजी से उभरे हैं उससे पूरे देश में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग बढ़ी है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली की है जिसे SS राजामौली ने निर्देशित किया है। बाहुबली फिल्म को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपने 19 साल के करियर में से 5 साल सिर्फ इसी प्रोजेक्ट को दिए हैं, जो उनके समर्पण को साबित करता है। हाल ही में उनकी राधे श्याम 11 मार्च को रिलीज होने जा रही है जिसमें वो एक रोमांटिक हीरो का किरदार निभाने वाले हैं जिसमें उनके साथ पूजा हेगड़े नजर आएंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों प्रभास को ही इस फिल्म के लिए चुना गया? तो इसके 5 कारण है जिसमें से आज हम एक कारण की बात करने वाले हैं जो है पैन इंडिया स्टार। एक वक्त था जब बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की राहें जुदा थी। दोनों जगह अपने अपने ढंग की फिल्मों का निर्माण हो रहा था, लेकिन केवल टीवी के दौर में जब साउथ की फिल्मों का हिंदी डब प्रसारित होने लगा और लोग उसे पसंद करने लगे तो कुछ हिंदी फिल्म निर्माताओं ने साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाना शुरू किया। राउडी राठौड़ से लेकर दृश्यम तक ऐसी कई फिल्में हैं जो साउथ की हिंदी रीमेक है। इसके बाद साल 2015 में फिल्म बाहुबली रिलीज हुई जिसने पूरे देश में धमाका कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री एक फिल्म को एक साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में रिलीज किया गया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ब्लॉकबस्टर तो साबित हुई ही, इसके साथ इसने कमाई के कई सारे ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। बाहुबली ने इतिहास कायम करने के साथ ही प्रभास को पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनके अभिनय का जादू हर किसी के सर चढ़कर बोलने लगा। वैसे बताते चलें कि पैन का अर्थ होता है प्रेजेंस अक्रॉस नेशन। इस तरह पैन इंडिया सुपरस्टार का मतलब हुआ कि जब कोई स्टार भारत में कई जगहों पर काम कर रहा हो, कई भाषाओं में उसकी फिल्में देखी और पसंद की जा रही हो तो उसको पैन इंडिया सुपरस्टार कहते हैं। सिर्फ प्रभास ही नहीं, रजनीकांत और यश को भी पैन इंडिया स्टार नाम से जाना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैन इंडिया स्टार नाम से कोई मशहूर हुआ है तो वो है प्रभास। आज भी कोई गूगल पैन इंडिया स्टार सर्च करता है तो सबसे पहले प्रभास का नाम सामने आता है। बाहुबली के बाद बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद साहो, KGF जैसी पैन इंडिया फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और राधे श्याम, RRR, रॉकेटरी द नाम भी इफेक्ट रिलीज होने वाली है। प्रभास की बाहुबली में पॉपुलैरिटी को देखते हुए राधा कृष्ण ने फिल्म में प्रभास को चुना। अब आप सोचेंगे कि पैन स्टार तो इतने हैं, फिर प्रभास ही क्यों? तो बता दें, जितनी पॉपुलैरिटी प्रभास की राधे श्याम साइन करने के वक्त थी शायद ही किसी और की होगी। यही वजह है कि प्रभास को इस फिल्म के लिए चुना गया। तो आपको क्या लगता है, क्या डायरेक्टर का ये सही चुनाव था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।